अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे जी। तो आज हम कर रहे हैं मेरे प्यारे से बेटे मोहम्मद माहद का बर्थडे। सो मोहम्मद माहद ने बोला कि बाबा आप मेरा बर्थडे करें, तो हमने मोहम्मद माहद की खुशी के लिए हमने छोटी सी जो है बर्थडे सेलिब्रेशन की। तो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, इस तरह से बच्चे खुश हो जाते हैं, तो हमें उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। मैं थी कुकिंग में बिज़ी, इस वजह से मेरी जो है बेस्टी वो आई थी, उन्हें मैंने इनवाइट किया था क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। और साथ में मेरी छोटी जो आजू है, उसने जो है सारी जो डेकोरेशन है उन दोनों ने मिलके की। सो मेरी बेस्टी ने और आजू ने बहुत अच्छी डेकोरेशन की, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और गज़ल तो स्पेशली इतनी हैप्पी थी ना, तो इसकी जो खुशी का अंदाज़ा है वो आप इसको देख के लगा सकते हैं। केक जो है ना, हमने ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि हमारा अचानक से प्लान बना था बर्थडे का, तो पहले तो बिल्कुल भी मूड नहीं था। इस वजह से फिर हारिस को जैसा अच्छा लगा, तो मैंने हारिस को बोला था कि आप अपनी चॉइस कर ले आओ, फिर उसे जो अच्छा लगा वो वही केक लेके आया था। सो गाइस, इस तरह की छोटी छोटी जो है ना बच्चों की खुशी के लिए ऐसी सेलिब्रेशन जो है ना वो होनी चाहिए, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल जाता है। जी तो खाने में क्या मेन्यू था, मैंने बनाई थी चना चाट, और चना चाट बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, सो इसलिए मैंने ना चना चाट भी बना ली थी, और साथ में मैंने बनाए थे फ्राइड राइस। तो टाइम से पहले था जी, मैंने फ्राइड राइस और चना चाट हमने पहले खा ली थी क्योंकि लेट नाइट जो हमारा प्लान था ना वो था बारबेक्यू करने का, तो लेट नाइट हमने किया बारबेक्यू। मैरिनेशन जो थी वो मैंने कर ली थी, और बारबेक्यू किया था मेरे हस्बैंड ने, और जो सीख कबाब बनाए थे ना वो मैंने उनकी हेल्प की थी, तो फिर हम दोनों ने मिलके बारबेक्यू किया एक साथ, तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। लॉन में हमने किया था बारबेक्यू, तो साथ साथ बन रहा था बारबेक्यू और साथ साथ मैं कर रही थी सर्व। जी तो ये था हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। जी तो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह पाक हमारी फैमिली को हमेशा खुश रखे और हर बुरी नज़र से बचाए। आमीन।